एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ये चोकर बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने मटेरियल लिया है, तो यहाँ पर मैंने वायर लिया है, गेयर वायर। यहाँ पर मैंने लिया है नेकलेस डोरी, हिट पिन, और ये बिस्किट शेप के कुंदन लिए हैं, डायमंड कुंदन, और ये रेड कलर के मोती और जंप रिंग। और आप चाहें तो इसमें वाइट कलर की मोती भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हिट पिन के अंदर हम इसमें मोती को डाल देंगे और हिट पिन को कट कर देंगे। इसके बाद इसका जो पार्ट बचता है एक्स्ट्रा, उसको ऐसा राउंड कर देंगे। और पूरा राउंड करने से पहले इसके अंदर हम कुंदन को लगा देंगे, क्योंकि इस मोती को हमें कुंदन से कनेक्ट करना है। तो हिट पिन को हमने कुंदन में लगा दिया है। इसके बाद इसका जो मुंह है वो हम पूरा बंद कर देंगे, जिससे मोती कुंदन से अटैच हो जाएगा। इसी तरह से सारे कुंदन को हम रेडी कर देंगे मोती के साथ। एंड देखिए, इन सबको मैंने रेडी कर दिया है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि ये जो वायर है, इससे हम कैसे चोकर बना सकते हैं, और बिना वायर के भी कैसे बनाएंगे, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने वायर के लिए है गेयर लॉक, मतलब वायर लॉक। तो वायर को हम इसे लॉक करते हैं ताकि जो चोकर है ये अच्छे से बन जाए, और मतलब जो मोती है उससे बाहर ना निकले, और उसमें हम जंप रिंग को भी लगा सकें। तो यहाँ पर मैंने ये गेयर लॉक लिया है, इसको वायर के अंदर डालेंगे, और जो वायर है इसको थोड़ा हम मोड़ देंगे। इसमें वायर को हम ऐसे लूम की तरह मोड़ेंगे, और जो लॉक है उसके अंदर इसको डालेंगे, और प्लार से इसका जो मुंह है इसको बंद कर देंगे, जिससे जो वायर है वो लॉक हो जाएगा। और इसके बाद ये जो कुंदन है, कुंदन को वायर के अंदर हम इसमें डाल देंगे। और अगर आपके पास ये वायर अवेलेबल नहीं है, तो आप जंप रिंग के साथ भी इसे बना सकते हैं। इसकी मेथड भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। तो हम इसके अंदर पहले मोती को डाल देंगे। अगर डायरेक्ट कुंदन को डालेंगे तो कुंदन बाहर निकल जाएगा, इसलिए मोती को डालेंगे, और इस तरह से सारे कुंदन को इसके अंदर हम डाल देंगे। देखिए, सारे कुंदन को हमने वायर के अंदर डाल दिया है, और मोती को भी डाल दिया है। इसके बाद जिस तरह से पहले हमने वायर को लॉक किया था, उसी तरह से हम इस वायर को भी लॉक कर देंगे। देखिए, हमने इसको भी लॉक कर दिया है। अब इसके अंदर हम जंप रिंग को लगा देंगे, और जंप रिंग के साथ नेकलेस डोरी को भी अटैच कर देंगे दोनों तरफ। तो ये तो हमने देख लिया कि वायर के साथ चोकर कैसे बनाएंगे, और हम यहाँ पर बनाएंगे विदाउट वायर। तो जिस तरह से हमने कुंदन को रेडी किया था, उसी तरह से हमने कुंदनों को रखा है। और यहाँ पर मैंने ली है बहुत सारी जंप रिंग, और एक एक करके जंप रिंग से हम आपस में कुंदन को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी जंप रिंग चाहिए होंगी, जिससे हम कुंदन को आपस में कनेक्ट कर दें। इसी तरह से सारे कुंदन को मैं आपस में कनेक्ट कर दूँगी। एंड देखिए, सबको मैंने अटैच कर दिया है जंप रिंग से। और यहाँ पर मैंने चेन ली है कॉपर कलर की, और जंप रिंग के साथ मैं इसको इसमें लगा दूँगी। और जो कुंदन है, कुंदन में हम जंप रिंग को लगा देंगे, और इसका जो मुंह है वो बंद कर देंगे। और अगर आपको दूसरी वीडियो देखनी है नेकलेस की, या फिर हैंडमेड ज्वेलरी की, जैसे फ्लावर ज्वेलरी, नोज पे नोज रिंग, तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारी वीडियोस की लिंक की प्लेलिस्ट को डालकर रखा है, तो वहाँ पर क्लिक कर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है। और यहाँ पर मैंने एक और जंप रिंग ली है, दो जंप रिंग और ली है, क्योंकि चेन के जो आगे वाला पार्ट रहता है, वहाँ पर भी एक एक जंप रिंग हम लगा देते हैं, क्योंकि वो पहनने में इससे आसानी होती है, मतलब वो एडजस्टेबल हो जाता है। और यहाँ पर मैंने एंड हुक को भी लगा दिया है। एंड देखिए, जो चोकर है वो रेडी हो गया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।